हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? जैसे कि मैं आप लोगों की एनर्जीज पिक कर रही हूँ, आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ के एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कह सकती हूँ कि काफ़ी सारी चैलेंजेस ये मार्च मंथ में रहे हैं, राइट? तो याद करिए मेरी जो फरवरी में चैनलिंग थी, पंच ग्रह कंजक्शन, ठीक है? और इस चैनलिंग के आधार पे ये मंथ हमारे लिए स्ट्रगलिंग रहा, और मैंने आगे के 2 महीने की बात की थी, मार्च अप्रैल। तो कहीं मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको आज आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहती हूँ। दैट्स द रीज़न ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अर्जेंट वीडियो है, एक जो आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? So it is extremely urgent for those who are struggling this time. आप हार रहे हो, अगर टूट रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हर चैलेंज, हर जो हमारा मार्च का महीना है, हमने स्ट्रगल किया, बहुत तकलीफ झेली, पर अगर आप एट द एंड जस्ट निकालते हो उस मंथ का, तो कितना कुछ सीखने को मिला, कितना कुछ हमने जाना, अपने आप को और एक डायमेंशन ऊपर किया, कितने सारे लेसन लर्निंग किए, कितना कुछ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है? बस यही सत्य है। कोई भी प्लैनेटरी चेंजेस, कोई भी ग्रह दशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका पर्पस सिर्फ यही है कि एवरी टफ सिचुएशन इज़ ए चैलेंज फॉर यू, and take this such situations as a challenge only. क्योंकि वो challenge जब आता है तो आप efforts लगाते हैं, आप और ज़्यादा life में analyze करते हैं, आप और ज़्यादा hard work करना सीखते हैं, आप और ज़्यादा अपनी healing खुद करना सीखते हैं, आप independent होते हैं, और आप life में और भी ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाते हैं, और तब जाके इस तरीके से आपका डायमेंशन चेंज होता है, ठीक है ना? कोई समस्या आती है तो सिर्फ रोने से, भगवान को कर्ज करने से, किसी को ब्लेम करने से ये जर्नी पूरी नहीं होगी। एवरी ट्रिगर इज अ चैलेंज टू मेक यू मोर स्ट्रांग, और उस टू आपको, एंड बिकॉज यू आर द चोजन वन, आपके लिए गॉड ने एक बिगर पिक्चर प्लान की है, जिस उस जगह तक पहुंचना है। क्यों हमारी जर्नी में बचपन से ही ऐसा रहा कि इतने हालात टफ रहे, कहीं पर हमारी फैमिली हमारे अकॉर्डिंग नहीं रही, कहीं फैमिली अच्छी थी तो बाहर से हमें अब्यूज़ मिला, या कहीं सब कुछ ठीक था बट फाइनेंशियल दिक्कत थी, कभी कभी हो सकता सारी चीज़ें ही आपके साथ रही हो, बहुत डिफ़िकल्टी लाइफ में, बिल्कुल आप अकेले पड़ गए, आइसोलेट हो गए, और आप एट द एंड आप क्या करते थे? सिर्फ कर्ज करते थे। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि एवरी चैलेंज इज़ और एवरी जो ट्रिगर है वो एक चैलेंज है। ठीक है, कर्मा पे बैक करना है, ये बात सत्य है। हमारी ये मोक्ष की जर्नी के लिए आप चोजन वन हो, इकट्ठा एक स्लॉट में आपको पूरा अपना कर्मा पे बैक करना है, ये सत्य है। बट फिर भी आपकी लेसन लर्निंग बचपन से चालू हो गई थी, जो हमको अवेयरनेस नहीं थी। तो अब आपकी अवेकनिंग हो गई है, अब आप जाग चुके हो। नाउ डोंट टेक एवरी चैलेंज एज अ कर्स, ठीक है? ज़िंदगी बेहाल हो गई है, लाइफ में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, भगवान है कि नहीं, ये जर्नी से मैं टायर्ड हो गया हूँ, एंड ब्लेमिंग ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट एन अ गुड आइडिया। एक रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो ये जानते हैं कि ये जर्नी आपको बेस्ट वर्जन बनाने की है, यूनिवर्स का आपके लिए एक बहुत ही बिगर प्लान है, यूनिवर्स के आप स्पेशल बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, उनका आपके लिए एक बहुत ही बड़ा विजन है, वो आपको वहाँ तक पहुँचना है, और हम यूनिवर्स की आर्मी है और अपना पर्पस पूरा करना है, ठीक है? तो देखिए, एज पर माय एक्सपीरियंस, लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स मैंने भी किए हैं। मैं कभी भी आई नेवर बिलीव इन एनी हॉरोस्कोप, कुंडली, ग्रह दशाएं। अरे, ग्रह दशाएं तो हर दिन बदलती रहेंगी, कब तक आप इन पे डिपेंडेंट रहोगे? आज यह प्लैनेट है, कल वो प्लैनेट है। भाई, प्लैनेट्स हैं तो घूमेंगे ही सही, ठीक है? घूमेंगे तो हलचल होगी ही सही। तो हम कब तक
किसी प्लैनेट पे, किसी ग्रह दशा पे डिपेंड रहेंगे अपनी सक्सेस और अपनी ग्रोथ के लिए? अभी ये ऐसा राहु है, अभी ऐसा केतु है, अभी ये इस हाउस में है, अभी वो उस हाउस में, तो क्या हम पूरी ज़िंदगी इन प्लैनेट्स पर ही डिपेंड रहेंगे अपनी ग्रोथ के लिए? तो फिर कोडिपेंडेंसी का इश्यू कैसे हील हुआ? मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बस दो ही चीज़ को महत्व दिया है, एक भगवान। भगवान फॉर मी गॉड इज़ कम्प्लीटली सरेंडर। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, मैं कंप्लीट सरेंडर करती हूँ कि मैं तेरी हूँ, मेरी समस्या भी तेरी है, समस्या दी भी तूने ही है और निकालना भी तूने ही है, कंप्लीट सरेंडर। लेकिन उस वक्त मैं हिम्मत नहीं हारती क्योंकि मैं विश्वास के साथ सरेंडर करती हूँ, एक ब्लाइंड फेथ के साथ सरेंडर करती हूँ। और दूसरा है मेरे कर्म, कि उस पल मुझे जो कर्म करने हैं लाइफ में मैं अपना हार्डवर्क करूंगी, उसके बाद जो भी रिजल्ट है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, कर्म और भगवान। आई एम नेवर एवर डिपेंडेंट ऑन एनी प्लैनेटरी सिचुएशंस और हॉरोस्कोप्स और ये कुंडली वो कुंडली, ये ग्रह दशा वो ग्रह दशा, नेवर एवर। मैं अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ एक पे डिपेंडेंट हूँ और वो है मेरा भगवान, और उस पर मुझे विश्वास है अगर मैं कड़ी मेहनत करूँगी तो मेरा भगवान मेरे साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता। सिमिलरली सिचुएशन कैसी भी आ रही है, अप्रैल के मंथ में हो सकता है कि आपके बिगर टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, बिगर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो एक ही बात याद रखिए, भगवान से बढ़ के कोई चैलेंज नहीं है, भगवान से बढ़ के कोई प्लैनेटरी सिचुएशन नहीं है, भगवान से बढ़ के कोई ग्रह दशा नहीं है, कोई कुंडली भगवान से बढ़ के और आपकी मेहनत से बढ़ के नहीं है। ठीक है, जब भगवान आपको कोई चैलेंज देता है, आप कहते हो मैं नहीं कर पाऊंगी, आई डोंट नो मैं कर पाऊंगी कि नहीं, या मैं करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद ऐसा नहीं हो पाएगा, मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी आदत ही है हमेशा नेगेटिव सोचने की। बीइंग अ ह्यूमन हमें हमेशा नेगेटिव साइड को ज़्यादा प्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि हो ही नहीं सकता। डरना हमारी आदत होती है, हमेशा नेगेटिव सोचना हमारे ब्लड में होता है क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम ही वैसा है। क्यों हम ऐसा नहीं सोच सकते कि बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा? और पता है क्या होता है, जब आप नेगेटिव सोचते हो तो उसके बाद आपके जो चांस भगवान ने जो आपके लिए प्लान किया था वो चांस आपके हाथ से निकल जाता है। भगवान ये देखता है कि ना तो ये इंसान को मुझ पर फेथ है, ना ये मेहनत करने के लिए तैयार है, तो यू लूज द गेम, और फिर वो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाती है। ठीक है, और फिर हम स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, क्योंकि अगर चैलेंज आ भी गया तो हिम्मत हारने से मिल क्या जाएगा? ठीक है, मेहनत तो फिर दोबारा से वो चैलेंज आएगा, फिर आपको अल्टीमेटली मेहनत करनी ही है, अल्टीमेटली हमें सरेंडर करना ही है, तो हम परेशान क्यों होते हैं लाइफ में? हम उस चैलेंज की तरह लेते क्यों नहीं है, एनालाइज क्यों नहीं करते हैं, हार्डवर्क क्यों नहीं करते हैं? यू विल बी मोर ऑथेंटिक पर्सन, और ज़्यादा आपको डायमेंशन, आप अपने आप को और ऊपर फील करोगे, राइट? सो जब अप्रैल का मंथ आएगा, मे बी सिचुएशन आपके लिए आपके और अगेंस्ट हो, और ज़्यादा चैलेंजिंग हो, ठीक है, सो नेवर एवर लेट योर माइंड डिस्ट्रैक्ट यू। मेरी इस बात को बहुत अंडरलाइन कर लीजिए, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत करने देना, अपनी सोल की आवाज़ सुनना, और दो ही चीज़ दिमाग में रखना है कि मुझे बस कर्म करना है और अपने भगवान पर विश्वास करना है। दोस्तों ये आप लोग कहते हैं ना ये जर्नी माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट की, बट एक्चुअली आप लोग जानते ही नहीं हो, हमको डिपेंडेंट रहना है दूसरी चीज़ों के ऊपर। जब सिचुएशन आती है, जब टफ टाइम आता है, तो हम सब भूल जाते हैं कि माइंड बॉडी और सोल का अलाइनमेंट का मेन एग्जाम तो तभी होता है, जो मेरा परसों का वीडियो था, सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ भगवान आपको परखते हैं, परसों का वीडियो क्या होता है, जब सिचुएशन ऐसी आती है पैनिक, तब तो आपके माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट ही खत्म हो जाता है। तो बेसिकली आपको तभी तो प्रैक्टिस करना है। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी हॉरोस्कोप, किसी गदशा पे हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम लोग चोजन वन हैं, हमारे लिए भगवान ने चैलेंज तैयार करके रखे हैं, सिर्फ हमको अपनी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट करना है। देखिए अब कैसे किया जाए, इस जर्नी पे आप अपने ट्विन को बहुत प्यार करते हो, आप उसको अपना 100% देते हो,
तब भी वो रन कर जाता है। क्यों रन कर जाता है? क्योंकि आपने अपनी अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया, ठीक है। आप अपने दिमाग को इस प्रकार से बनाइए कि वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। अब अपनी बॉडी को प्यार कीजिए। बॉडी को प्यार करना मतलब अपनी इंटरनल, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इंटरनल हेल्थ, इंटरनल एंड आउट, जो आपका एक्सटीरियर, आपकी जो हेल्थ है इंटरनल, आपकी बॉडी की, आपके इमोशंस की, और बाहर से आपकी फिजिकल जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना। अपनी सोल का ध्यान रखना, मतलब अपनी सोल की प्योरिटी पर फोकस होना, और अपनी सोल का अपने भगवान से अलाइनमेंट। जब आप ये तीन चीज़ों से, अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने सोल से इस तरीके से प्यार करते हो जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, तब जाके इट मीन्स कि आप अब आपने सीखा है खुद से प्यार करना। और जब हम खुद से प्यार करते हैं तब हम एकदम, तब हम सीख जाते हैं अनकंडीशनल लव करना सबसे, ठीक है। और जब हम अनकंडीशनल लव करने में इतने बिजी हो जाते हैं सबसे प्यार करने में, तो आपका ट्विन जो होता है वो खुद आपके पास अपने आप आता है, क्योंकि उन सब, उन सारी आत्माओं में आपका ट्विन भी आता है। जब आप सबसे प्यार करते हो, ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम सबसे पहले खुद से प्यार करते हैं और हम ये सीख जाते हैं कि हमें हमारी माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट कैसे करना है, और हम जब सीख जाते हैं और हम अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सन भी उस एनर्जी से ही वाइब्रेट करता है और वो आपको अनकंडीशनल लव करना सीख जाता है अपने आप, चाहे वो आज कितना भी आपसे रन कर रहा है, ठीक है। तो आप जो अप्रैल का मंथ आने वाला है, अगर सिचुएशन आपकी और भी ज़्यादा टफ आने वाली है, तो अभी से प्रिपरेशन कीजिए, प्लानिंग कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, हमको सिर्फ अपने पर ही डिपेंड, हमारी माइंड हमारे अकॉर्डिंग काम करे, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, हमारी सोल में प्योरिटी आए, हम भगवान पे अपने ब्लाइंड फेथ रखें, हम हमारी आत्मा हमारे परमात्मा से अलाइन रहे, हम हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, हम सरेंडर, हम कम्प्लीटली सरेंडर करने को तैयार हैं। देखिए ये अप्रैल का मंथ जो आज हर जगह लोग कह रहे हैं बड़ा चैलेंजिंग है, वो आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स बन जाएगा, और ये इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। इट विल बी योर ब्लेसिंग्स, और आप देखना कि आप लाइफ के किस डायमेंशन में होगे, आप किस एनर्जी से वाइब्रेट करोगे, कितनी ग्रोथ होगी। कितने सारे लोगों के मुझे मैसेजेस पर्सनल में आते हैं, मैम सिस्टमेटिक इनर वर्क करके मेरी ये ग्रोथ हो रही है, मेरे को ये जॉब लग गई, मेरे डीएम आ गया, बहुत सी चीज़ें हैं। क्या है उसमें, क्या सिखाया जाता है? यही तो सिखाया जाता है कि आपकी माइंड बॉडी और सोल का अलाइनमेंट कैसे करना है, कैसे ज़िंदगी में बिंदास रहना है, बिना डरे रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ भगवान पे विश्वास करना है, भगवान पे डिपेंडेंट रहना है, ऑथेंटिक बनना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है लाइफ में, और खुद के साथ ऑनेस्ट होना है। बस दोस्तों ये मेरी की है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं खुल के निस्वार्थ आप लोगों पर बांटती हूँ, ताकि आपको ज़िंदगी में कभी डर के साथ जीने की ज़रूरत नहीं है, और किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडेंसी रखनी है तो सिर्फ एक ही पे, भगवान पे, यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स हैज़ अ bigger प्लान फॉर यू। वो आपको कहाँ देखना चाहता है आप जानते नहीं हो आज, बस थोड़ा सा मुझ पर ट्रस्ट कर लो, भगवान पर ट्रस्ट कर लो, यूनिवर्स हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।